जूम करो जूम, ऐसे नहीं। क्लियर। देखो जाते वैसे जुड़ते हैं। तस्वीर से जुड़ गया भाई। भाई ये वही टंकी है जहाँ पे हमारे 22,000 वाले साथी संघर्ष कर रहे हैं। क्लियर आ रहा है। अधिक से अधिक लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। और भैया बढ़िया है। निकले इधर तो हम। देखिए हमारा संघर्ष, योगी जी फिर भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए आज 60वां दिन होने जा रहा है, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही हमारी बात को। आप लोगों को साथियों क्या लगता है, आप लोग घर से निकलेंगे या अभी नहीं निकलेंगे? हम लोग लखनऊ में यहाँ पे इतना संघर्ष कर रहे हैं, अभी हम आपको धरना स्थल पे जाके दिखाएंगे। सिर्फ आपको टंकी की लोकेशन दिखा रहे थे इधर से। अभी तो हम गए थे, लोग ये नहीं रहे, नहीं भर्ती वाले कुछ भी एक घंटे घूम रहे हैं, उनसे भी छुड़ गए थे। तो लोग कह रहे हैं अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग कह रहे तुम भाई भर्ती मांग रहे हो। सभी साथी अधिक से अधिक संख्या में घर से निकला। सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है, नहीं आ नहीं रही थी तुम्हारी। डीजी मैम ने आश्वस्त किया है, वो आ रही है अभी धरना स्थल पे बात करने के लिए हम सब लोगों से। ये तय है साथियों, 22,000 सीट हम लेके रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लखनऊ से जाएंगे नहीं, प्रण करके घर से निकले हैं। देखिए महिला संख्या भी है ऊपर, और हमारे दो साथी सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। अब प्रशासन ने हमें जाने से अंदर रोक रखा है, प्रयास करते हैं अभी जा रहे हैं। लो रंजीत भाई, सभी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि प्रयास किया गया कि 22,000 के धरने में पहुंचा जाए, लेकिन प्रशासन इतना अलर्ट है, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपके जाने से वहाँ पे बच्चों में या तो आप जाओ तो जिम्मेदारी लो कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा सर हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं आपको मंजूरी नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि वहाँ पर विद्रोह भी हो सकता है, तो हम नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके की चीज़ें हों। हालांकि डीजी मैम का मैसेज आया था
कि आप लोग आइए हमसे मिलिए आके, लेकिन हमारे भाइयों ने जो संघर्ष के साथी हैं मना कर दिया उन्होंने कि अभी तक के हम बहुत मिलने गए, अब आप स्वयं खुद मिलने आएंगे। देखिए प्रयास तो हम लोगों का हर स्तर से हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेके हो, चाहे वो 22,000 को लेके हो, क्योंकि हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है, क्योंकि हमें नौकरी की ज़रूरत है, हमें जहाँ से मिलेगी हम लेने के लिए प्रयास करेंगे। और जितने भी हमारे साथी जो सुन रहे हैं, मैं उन्हीं से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो धरना है, चाहे वो 22,000 का हो या आरक्षण का हो, बहुत ही सही दिशा में चल रहा है। और मैं स्वयं को, अपने आप को ये बोलने के लिए लाइव आया हूँ कि जो हम लोगों ने 15 अगस्त को झंडा रैली निकालने का जो टीम के द्वारा निर्णय लिया गया है, मुझे विश्वास ही नहीं अपितु पूर्ण रूप से भरोसा है कि आप लोग उस दिन भारी संख्या में मौजूद होंगे, वो चाहे हमारा जर्नल का भाई हो, चाहे ओबीसी का भाई हो। देखिए जो भी हमारे जर्नल के भाई हैं, हम मानते हैं कि वो आरक्षण का सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम आकर 22,000 के लोगों का समर्थन करें। और जो हमारे ओबीसी के भाई हैं वो आरक्षण पे भी आएं और थोड़ा सा टाइम 22,000 पे भी दें। मैं तो यही उम्मीद करता हूं, और आप लोगों से एक केवल विनती करने आया हूं कि यदि थोड़ी सी भी दिलो दिमाग में नौकरी की चाह हो, यदि नौकरी के लिए आप लोग प्रयासरत हो, नौकरी की जिज्ञासा रखते हो, जो तुमने सपने देखे खुद को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बहन बेटी को लेकर के, यदि उन सपनों को पूरा करना चाहते हो तो फिर आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई बिल्कुल अंतिम दौर में है। हमारे लिए बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं, ये लड़ाई इतना समझ लीजिए कि अंतिम दौर में है। यदि हम लोगों को, यदि आप लोगों का साथ मिल जाए, तो जो लड़ाई हम 15 दिन में जीतने वाले हैं, संभवतः वो 5 दिन में भी जीत सकते हैं। यदि हम मात खा रहे हैं, चाहे वो 22,000 का धरना हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, तो भीड़ से मात खा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी एम्बुलेंस वाले हमारे भाई मात्र 6 से 7 दिन धरने पर बैठे, सरकार ने उनकी बातें मान ली, उनको समायोजित कर लिया, उनकी सैलरी भी बढ़ा दी। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास भीड़ थी, वो 2-2, 3-3 हज़ार लोग आते थे धरने में। तो जहाँ पे संख्या दिखेगी, सरकार का भी झुकाव उसी ही तरफ होगा, ये भी आप समझ लीजिए। जहाँ पे संख्या दिखेगी वहीं पे सरकार का भी मतलब झुकाव होगा। तो हम यही चाहते हैं कि मतलब आप लोग आइए, हम लोगों का साथ दीजिए। वादा करते हैं कि इस अगस्त में ही आप विद्यालय में होंगे। मैं बहुत कम लाइव आ रहा हूँ इस टाइम, और मेरी बहुत कम पोस्ट आती हैं। उसका रीज़न भी है, जब कोई मुझे ऑथेंटिक चीज़ मिलती तभी हम कहीं कुछ बोलते हैं। अगस्त करीब मानसून सत्र होगा, ठीक है? और अगस्त में यदि इसलिए होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि विभाग विचार कर रहा है कि जो मानसून सत्र चलने वाला है, इस मानसून सत्र से पहले ये सारे मामलों को निस्तारित करना चाहते हैं। नहीं तो इनको ये भी पता है, सरकार को भी पता है, विभाग को भी पता है कि मानसून सत्र से पहले ही हम लोग एक बड़ा आंदोलन का विचार कर रहे हैं, और उसमें संभवतः क्या 100% हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद भी, उन्होंने भी कहा था कि हम मानसून के सत्र में जो है पहले दिन ही हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जितने भी भाई हमारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए तैयारी हम भी कर रहे हैं, पेट का हमारा भी एग्ज़ाम लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम नौकरी के एक पायदान पे हैं कि थोड़ा सा हमें धक्का लगा तो हम तुरंत विभाग के कर्मचारी हो जाएंगे। तो आप लोग 15 अगस्त को जो हम लोगों ने झंडा रैली का आयोजन किया है, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, जितना बन पड़े आइए, अपनी नौकरी के लिए आइए। और बाकी मैं कल लाइव आऊँगा, शाम को मैं पोस्ट कर दूँगा। कुछ सूचनाएँ मुझे मिली हैं जिनको मैं अपने लाइव सेशन के माध्यम से, घर से मैं आऊँगा लाइव, तो वहाँ पर आप लोगों को साझा कर दूँगा। और वो जो भी सूचनाएँ बड़ी सकारात्मक हैं, यदि आप लोगों का थोड़ा सा साथ मिल जाए तो जो अभी तक के सूचनाएँ हमें मिल रही हैं वो हमारे लिए वरदान साबित होंगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी धरने में आइए, आरक्षण पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, स्वयं का भला करिए, अपने परिवार का भला करिए और इस पूरे समाज का भला करिए। बाकी कोई भी विचलित ना हो, समय रहते अगस्त में आप विद्यालय में हो। आगे की बातें शिवम भाई बताएंगे, आप लोग उनसे जुड़िए। फ्रंट पे लगाने भाई, हमारा एक ही उद्देश्य है, न 27% न 58-44, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। जो भी होगा, जिस जैसे भी मिलेगा, वो सर आयोग की रिपोर्ट लागू कराने का हमारा उद्देश्य है। उस रिपोर्ट को लागू कीजिए और उसके लिए जैसे भी, जिस तरीके से संभव होगा, हम उस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। 15 तारीख को हमारा यहाँ से तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा होगी ये हमारे लिए, और इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा को हम सफल बनाएंगे। और इसी के लिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे। और अभी 22,000 धरने में हम लोगों को रोका जा रहा है, वहाँ जा रहे हैं, प्रयास करते हैं वहाँ तक हम पहुँचें।